जातिवाद का अपने ही आप में एक नया मामला निकल कर आ रहा है नई दिल्ली से। ये कहानी है आरडी शिव शरण जी की, जो 60 साल की आयु में एक डायरेक्टर सेक्रेटरी पद से रिटायर होते हैं, और उनका आरोप है कि जो सरकारी फेयरवेल उनको सम्मान जो मिलना चाहिए था रिटायरमेंट के बाद, वो कहीं ना कहीं जातिगत मनसा को रखते हुए उनके अधिकारियों ने, उनके ऑफिस वालों ने नहीं किया है। हालांकि उनके मित्रों ने पर्सनली उनको फेयरवेल किया। अब उन्होंने इस मामले को लेकर कोर्ट की शरण ली है और उन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने अपने ऑफिस कर्मियों के खिलाफ SC ST एक्ट की मांग की है और अपने सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। आइए सुनते हैं शिव शरण जी से समता आवाज़ TV की एक खास मुलाकात। हेलो सर, नमो बुधाय जय भीम। हाँ नमो बुधाय जय भीम। हेलो नमो बुधाय जय भीम। हाँ जय भीम बोलिए। नमो बुधाय जय भीम का मतलब नहीं पता आपको? हाँ पता है। करते क्यों नहीं? नहीं आवाज पहचान की नहीं, इसलिए मैंने नहीं किया। श्रीनिवास जी बोल रहे हैं? कौन? श्रीनिवास जी बात कर रहे हैं। हाँ शिव शरण। शिव शरण जी। हाँ एक कंप्लेंट मिली है हमको आपकी तरफ से। हाँ कि आप रिटायर हुए हैं और ये जो आपके ऑफिस के जो लोग हैं, इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन के चलते आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, फेयरवेल नहीं किया है आपका। हाँ सही है। ऐसी कोई कंप्लेंट आपने की है सर, है ना? सही है सर। मैं मनोज अंतानी बात कर रहा हूँ समता आवाज TV चैनल नई दिल्ली से। हाँ और इस बारे में आपका पक्ष जानना चाहता हूँ, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ऐसा है, जानबूझ के मेरा फेयरवेल नहीं किया ये लोगों ने। एक नंदा करके मैडम है और ये एक गोपाल कृष्ण करके असिस्टेंट डायरेक्टर है, ये दोनों ने। तो आप कहाँ पर जॉब करते थे, पूरा परिचय दीजिए मुझे अपना। मैं DGSND में काम करता था, वो डिपार्टमेंट बंद होने के बाद सप्लाई डिवीजन में काम करता था, जीवन तारा में बैठता था। दिल्ली जीवन तारा में? हाँ जीवन तारा में, बिल्कुल पुलिस थाना, संसद मार्ग का पुलिस थाना के सामने। जी जी ठीक है। तो वो तो LIC की बिल्डिंग है? हाँ LIC की बिल्डिंग है, हमारा ऑफिस था वहाँ पे। अच्छा। तो मैं वहीं बैठता था। तो आप किस पोस्ट पे थे? मैं डिप्टी डायरेक्टर जनरल। डिप्टी महानिदेशक। अच्छा किस विभाग में? ओ सप्लाई डिवीजन, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। अच्छा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अच्छा। हाँ तो आप इसी साल रिटायर हुए? हाँ 31 मार्च को। अच्छा 31 मार्च को रिटायर हुए, मार्च अप्रैल मई जून, इतने महीने हो गए अभी तक आपका फेयरवेल नहीं किया इन लोगों ने। नहीं फेयरवेल नहीं किया। तो ये तो पूरा डिस्क्रिमिनेशन का मामला है आपके साथ में तो। हाँ, बड़े लेवल पर। हाँ, सही है सर। हाँ और तो, वो भी जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के आदमी का। बिल्कुल। तो ये तो चपरासी का और फोर्थ क्लास वाले को तो कुछ पूछे समझेंगे भी नहीं। हाँ तो अभी जनवरी में एक आदमी रिटायर हो गया, उसका फेयरवेल हो गया। फरवरी में हो गया एक आदमी रिटायर, उसका फेयरवेल हो गया, लेकिन मैं मार्च में होगा, मेरा नहीं हुआ। हाँ तो कहीं ना कहीं मतलब आपके साथ ये दृज भावना रखते हैं। हाँ सही है। तो मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि हो सकता है कि ऐसा भी वो कह सकते हैं कि आपका व्यवहार ठीक नहीं था तो हमने नहीं किया आपका? नहीं तो फिर मेरे साथियों ने कैसे फेयरवेल दिया उनकी तरफ से, देखिए वो दो दिन पहले। अच्छा आपको दिया है? हाँ मेरे साथियों ने दिया, कलीग ने, डिपार्टमेंट ने नहीं दिया है। डिपार्टमेंट देना चाहिए। अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं कि डिपार्टमेंट की तरफ से जो फेयरवेल होता है वो नहीं? हाँ डिपार्टमेंट देना चाहिए, उन दिया है नहीं जानबूझ के। जो डिप्टी सेक्रेटरी मैडम है उसको फाइल पुटअप की थी 25 मार्च को, उसने कोई एक्शन नहीं लिया जानबूझ के। अच्छा तो अभी आपने जो केस कर दिया है वो डिस्क्रिमिनेशन का क्या है ना? हाँ सही है, डिस्क्रिमिनेशन और इंसल्ट। तो कंप्लेंट आपकी हो गई है ना? हाँ तो अभी आगे क्या प्रक्रिया, पुलिस ने क्या किया? अब पुलिस ने क्या किया है? नहीं हमने तो FIR किया है, और ये जो एक घाटक करके मैं पुलिस इंस्पेक्टर था उसका भी मुझे फोन आया था। हाँ तो मैंने बोला कि भाई मेरे अगेंस्ट में ये लोगों ने गलत किया है, उनको आप कुछ ना कुछ कर दीजिए। तो मतलब आप कार्रवाई चाहते हैं अपने खिलाफ हुई
इस जातीय भेदभाव के खिलाफ ना। हाँ सही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय भीम नव बुधाई सर। मुझे इस नंबर पे अपना एक फोटो भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे। किसका? किसका? अपना 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 मेरा फोटोग्राफ। जी जी जी, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे। हाँ इसी नंबर पे। हाँ ठीक है, मेरा फोटोग्राफ भेज देता हूँ। ठीक है सर, ठीक। ओके। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।